हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निंबस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एसएससी जेई 2022 में सफलता की इबारत लिखने के बाद और 1000+ सिलेक्शन के बाद एसएससी जेई 2023 के कोर्सेज तो लॉन्च हो चुके हैं, मगर अब अनाउंसमेंट की बारी है एक बहुत ही यूनिक बैच की। और ये यूनिक बैच जो है आपको तैयार करेगा 90 दिनों में एसएससी जेई 2023 के लिए। तो सर, ये बैच किस स्टूडेंट के लिए सूटेबल रहेगा, हमें ये बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम ऑलरेडी निंबस लर्निंग पर एनरोल हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सर हमारा कोर्स पूरा हो चुका है हमें इन दिनों में रिवीजन करना है, या फिर मेरे एक दो सब्जेक्ट ही सर और बचे हैं बाकी फिर उसके बाद मुझे रिविजन करना है, तो क्या करना चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि ये बैच आपकी तैयारी में चार चांद कैसे लगाने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर एसएससी जेई 2023 में 90 दिन बचे हैं, और 90 दिन के अंदर एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्ट्रेटजी मेंटेन करनी है, किस तरीके से अपने आप को फोकस्ड रख करके प्रिपरेशन करना है, ये इस विजेता बैच के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। 90 दिन बचे हैं एसएससी जेई एग्जाम के अंदर और ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है विजेता बैच। एसएससी जेई 2023 की प्रिपरेशन के लिए इस विजेता बैच के अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अपना प्रिपरेशन पूरा कर लिया है और आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप पिछली बार कुछ मार्क्स से प्री में रह गए थे और मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आप बहुत ध्यान से सुने। अगर आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं और एक दो सब्जेक्ट और बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आपने इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पे पढ़ लिए हैं, या फिर आपने कहीं से भी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी भी करी हो, मगर आपको लगता है कि मेरे एक दो सब्जेक्ट के बाद में प्रिपरेशन को किस तरीके से करूं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो आपको कोई भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस विजेता बैच के अंदर हम बहुत ही परफेक्ट और यूनिक वे के अंदर चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कहीं ना कहीं अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं और रिविजन के साथ एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहते हैं, टू द पॉइंट बात चाहते हैं, या फिर उस स्टूडेंट के लिए जो अपना कोर्स जो है वो अभी कर रहा है और बस कुछ सब्जेक्ट्स और बचे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो पिछली बार कुछ मार्क्स से रह गया और अपनी कमियों को दूर करना चाहता है, ये बैच उस स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर हम किस तरीके से इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में जरा मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेई के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। उन 5 सब्जेक्ट के नाम नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड मेजरमेंट। तो ये 5 टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीट हम करने वाले हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। जी हाँ, बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड भी वो अवेलेबल होंगी। तो इन लाइव क्लासेस के अंदर हमने 90 दिनों को कुछ इस प्रकार बांटा है। नेटवर्क 18 दिन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा सब्जेक्ट है, वेटेज कम रहता है तो 10 दिन, पावर सिस्टम अगेन बड़ा सब्जेक्ट 18 दिन, मशीन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए 22 दिन, और मेजरमेंट के लिए 17 दिन यहां पर डिफाइन किए गए हैं। इन दिनों के अंदर हम सर पढ़ेंगे कैसे, सब्जेक्ट्स तो 5 टेक्निकल हैं, दिन 18 दिन, 10 दिन में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, 18 दिन में पावर सिस्टम, 22 दिन में पूरा मशीन कर लेंगे, कैसे होगा सर, ये कैसे करना संभव है? ये संभव है अगर आप इंजीनियर्स एकेडमी और निंबस लर्निंग पर विश्वास करें तो, और विश्वास करेंगे आप जरूर, आप जब क्लासेस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एकदम सही विश्वास जताया। तो इस बैच में सर क्या केवल टेक्निकल ही पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल? अरे बाबा सबर करो, सुनो एकदम ध्यान से, टेक्निकल का तो मैंने आपको बता दिया कि ये 5 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल के अंदर भी हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्ट जो उनका मॉड्यूल है, रीजनिंग 50 मार्क्स 17 दिन, उसके बाद में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो कि जनरल साइंस का पार्ट है, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, और रीजनिंग, ये सारे के सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी करेंगे। क्या बात है सर, 90 दिन में टेक नॉन टेक दोनों? बिल्कुल।
तो यहां पर आपका नॉन टेक में रीजनिंग 17 दिन, क्योंकि वेटेज ज्यादा है 50 नंबर का, और उसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स को 7 दिन, पॉलिटी इकोनॉमिक्स 5 दिन, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स, इस तरीके से सबको 7-7 दिन का मॉड्यूल दिया गया है। तो सर इन 7 दिनों के अंदर नॉन टेक्निकल में और टेक्निकल के अंदर ये जो यहां पर 18 दिन 10 दिन 22 दिन, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, हमें क्या करना होगा, क्या हमें कॉपी पेन लेकर के बैठना है, क्या हमें सिर्फ सुनना है, या हमें रिवाइज करना है, करना कैसे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें यहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर सब्जेक्ट प्लान क्या रहने वाला है। तो मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, जान लीजिए पावर सिस्टम की बात करें, तो पावर सिस्टम सब्जेक्ट है तो हमने उसको मॉड्यूल में बांटा, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5। अब हर सब्जेक्ट में अपना अलग एक सेगमेंट है, जैसे पावर सिस्टम की बात करें तो जनरेशन एक अलग मॉड्यूल है, ट्रांसमिशन एक अलग मॉड्यूल है, स्विच गियर एक अलग मॉड्यूल है, यूटिलाइजेशन एक अलग मॉड्यूल है, फॉल्ट एक अलग मॉड्यूल है, तो ऐसे 5 मॉड्यूल पावर सिस्टम में है। ठीक उसी प्रकार अगर बात करें मशीन की, तो मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया, एसी मशीन में जनरेटर मोटर, एसी मशीन में जनरेटर मोटर, और फिर स्पेशल मोटर्स, तो इसके अंदर इस तरीके से मल मॉड्यूल्स हो गए। तो सर इन मॉड्यूल्स में होगा कैसे, नेटवर्क के अंदर हो, चाहे मेजरमेंट के अंदर हो, मेजरमेंट में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फिर उसके बाद में CTPT अलग मॉड्यूल हो गया, उसके बाद में आपके जितने भी एनर्जी मीटर वगैरह है वो उसका एक अलग मॉड्यूल हो गया, वॉट मीटर, ये सब हर सब्जेक्ट्स का फैकल्टीज ने एकदम परफेक्ट तरीके से मॉड्यूल्स के अंदर उसको बांट दिया। तो सर अब इन मॉड्यूल्स में होगा क्या, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो मैं बताता हूँ। जैसे मॉड्यूल 1 की बात करें, तो जैसे जनरेशन की बात हो रही है, तो जनरेशन के अंदर मॉड्यूल 1 में जो उसको रखा जाएगा, उसका कराया जाएगा रिवीजन। सर रिवीजन का मतलब डिटेल में थ्योरी नहीं होगा क्या, आपको ये समझना होगा कि आप पिछली बार कुछ मार्क्स से रहे, तो कमियां जो हैं सिर्फ उन्हें पहचानना है। आप प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं, मतलब थ्योरी आपने एक बार को पूरा पढ़ा हुआ है, तो इस बैच के अंदर आपको हर एक पॉइंट को टच किया जाएगा कि ये टॉपिक है, यहां यहां से क्वेश्चन आते हैं, और इतना इतना पढ़ना है ताकि जो अननेसेसरी चीजें आपने पढ़ी हैं, चाहे वो चीजें आपने मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ी हो या आपने स्टेट जेई या एई के अकॉर्डिंग पढ़ी हो, एक सब्जेक्ट जो है उसमें डिप्लोमा लेवल की भी कुछ चीजें हैं, कुछ बीटेक लेवल की चीजें हैं, और कुछ आपके उसके अंदर प्रोफेसर जो असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर होते हैं उसके लेवल की भी चीजें होती है। आप कई बार ऐसा होता है कि ये पहचान नहीं पाते कि सर इस सब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी चीजों में से JEE में स्पेशली SSC JEE में क्या पूछा जाता है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। तो स्पेशल SSC JEE को फोकस करते हुए सिर्फ वही टॉपिक, वही कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखे जाएंगे जिनसे आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उन सभी चीजों को हम यहां पर रिमूव करने वाले हैं जो अननेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल फॉल्ट में बात करें तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ SSC JEE। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट AE में ज्यादा आता है। तो डिप्लोमा लेवल का जो पेपर है उसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे जनरेशन है थ्योरेटिकल है ज्यादा पूछा जाता है, ट्रांसमिशन है उससे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ चले जाते हैं, हम न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा और ऐसे न्यूमेरिकल करने लगते हैं जिसका पूछा जाना संभव ही नहीं है। तो यहां पर आपको रिविजन में कंप्लीट थ्योरी रिवाइज कराई जाएगी, साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल अप्रोच कि इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे जहां से फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, कहां कहां से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और कहां कहां से थ्योरी पूछा जा सकता है, ये पूरा एकदम कॉम्पैक्ट रिवीजन कराया जाएगा। और हां दोस्तों 18 दिन पावर सिस्टम, 17 दिन मेजरमेंट, 10 दिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, 18 दिन नेटवर्क और 22 दिन मशीन, ये दिन अपने आप में बहुत होने वाले हैं। 22 दिन कम नहीं होते हैं यारों, एक वीक के अंदर स्टूडेंट शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेता है, यहां 22 दिन हम पूरा डेडिकेटेडली रिवाइज करने वाले हैं मशीन को। तो आप सोचिए कितना एकदम थोरोली डिटेल के अंदर जाकर के हम रिवीजन करने वाले, पॉइंट नोट करिएगा, हम रिवीजन करने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको बोल दिया यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, रटा दिया गया, बिल्कुल नहीं, टू द कॉन्सेप्ट, टू द पॉइंट बात करी जाएगी। तो मॉड्यूल 1 के अंदर फॉर एग्जांपल रिवीजन कर लिया, पूरा जनरेशन का एकदम धागा खोल दिया। उसके बाद क्या सर, उसके बाद आएगी उसकी प्रैक्टिस, यानी आपको जो सिखाया गया और जो आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्लस
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एसएससी जेईई 2023 में पूछे जा सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, और एसएससी की आदत है कि कई सारे क्वेश्चन वो रिवाइज भी करता है। तो जो हमारी टीम को लगते हैं कि ये क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये हमने जो थ्योरी पढ़ाई है उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इन सब का एकदम परफेक्ट कॉकटेल बना करके आपको प्रैक्टिस रूप में परोसा जाएगा, और फिर इंडिविजुअल उस मॉड्यूल का टेस्ट होगा, मतलब जनरेशन का इंडिविजुअल टेस्ट। अब इस टेस्ट को देने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझसे अभी भी नहीं बन रहे, यानी वो पर्टिकुलर सेगमेंट आपको वापस से रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर देखना होगा। सर रिकॉर्डेड में क्यों, हम तो पूरा बैच ही रिकॉर्डेड में देख लेंगे। नहीं दादा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये बैच लाइव अटेंड करना है। सर ऐसा क्यों, लाइव में तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, 3-4 घंटे की क्लास होती है, 4 घंटे लाइव देखेंगे तो हमारी तो ऐसे आंखें खराब हो जाएंगी। देखो बात सुनो एकदम गंभीरता से, अगर आप सीरियस होकर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास के अंदर आपके जिस तरीके से डाउट क्लियर होंगे, रिकॉर्डेड क्लास में एक दिन भी अगर आपको कोई काम आ गया और आपने अगले दिन सोचा कि यार मैं वो क्लास रिवाइज कर लूंगा, और अगर एक दिन और छूट गया तो 4 से 8 घंटे का जो क्लास है जो छूटा हुआ है, आप जब वो करते रहोगे तो वो पीछे क्लासें छूटती चली जाएंगी और वो पूरा सब्जेक्ट स्पॉइल हो जाएगा। आपको लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डेड के आलस में नहीं रहना है कि मैं फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लूंगा, बिल्कुल नहीं। लाइव पढ़ोगे टू द पॉइंट डाउट हाथों हाथ, सर ये वाला क्वेश्चन जो है इस वाले में कैसे आंसर करना, सर ये वाले थ्योरी का कैसे आंसर करना, सर मैं इस बार इस कॉन्सेप्ट को तो कर लूंगा पर पिछली बार मैं इस कॉन्सेप्ट में फंस गया था, उसका क्या इलाज है। ये चीजें लाइव इंटरेक्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट पाओगे। तो हर मॉड्यूल का रिविजन, कॉम्पैक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट कॉकटेल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन आपको फैकल्टी डिजाइन करके देंगे वो, प्लस टेस्ट यहां पर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। हर सब्जेक्ट के 3 से 4 मॉड्यूल, 3 से 4 रिविजन सेशन, 3 से 4 प्रैक्टिस सेशन और 3 से 4 टेस्ट। इस मॉड्यूल के तहत आप 360 डिग्री में प्रिपरेशन कर पाएंगे और अपने एक एक वीक एरिया को खुद से एनालाइज कर पाएंगे, और हमारी एक्सपर्ट टीम की सहायता से उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहां आपको दिक्कत है उसको आप एकदम अच्छे से रिमूव कर पाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, सर हर सब्जेक्ट में अलग अलग होगा ये हम समझ गए, हर सब्जेक्ट में रिवीजन होगा समझ गए, प्रैक्टिस होगा, टेस्ट होंगे हर मॉड्यूल के वो भी समझ गए। इसके बाद क्या सर, इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये बैच 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और केवल 5 जुलाई तक ही इसका प्राइस रखा गया है, केवल ₹500। सिर्फ ₹500 में आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप Nimbus Learning का मोबाइल ऐप, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, Nimbus Learning का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसमें जाकर के सर्च करें विजेता, आपको विजेता बैच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिखेगा, उस कोर्स को आप मात्र ₹500 में परचेज कर लीजिए। केवल 5 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है, 5 जुलाई के बाद इसका फीस बढ़ जाएगा दोस्तों, तो आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मौका है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, सर होगा क्या, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बाकी है, पिछली बार 5, 7, 10 नंबर से 15 नंबर से रह गए थे, गलतियां एग्जाम में ज्यादा हो रही हैं, कॉन्सेप्ट याद करने में दिक्कत है, या फिर आपका ऑफलाइन में शेड्यूल, आपका जो सब्जेक्ट है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, घर पे बैठ के रिवीजन कर रहे हो पर आपको स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है, या फिर आपके कुछ सब्जेक्ट ही बाकी हैं, महीने भर में आप पूरा कोर्स डिटेल वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट रिविजन का क्लास, तो ये बैच विजेता आपको सच में विजेता बनाएगा। इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस चलेंगी 5 तारीख से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें हर सब्जेक्ट को 4 से 5 मॉड्यूल में तोड़ा गया है, हर मॉड्यूल में परफेक्ट रिवीजन, क्वेश्चंस का एकदम परफेक्ट कॉकटेल, और उसके साथ हर मॉड्यूल का टेस्ट, इतना 360 डिग्री में भयंकर तैयारी, मैं तो कह रहा हूं 360 नहीं 720 डिग्री में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, और एसएससी जेईई 2023 के अंदर सफलता की इबारत जब लिखी जाएगी तो उस इबारत में आपका नाम भी वहां पर शामिल किया जाएगा इंजीनियर्स एकेडमी और Nimbus Learning के इतिहास के पन्नों के अंदर। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए Nimbus Learning के साथ, डाउनलोड करिए ऐप, और 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले इस लाइव विजेता बैच के अंदर 90 दिनों में परफेक्ट तरीके से तैयारी कर लीजिए एसएससी जेईई 2023 एग्जाम की, और 2022 में अपने सीनियर्स और अपने कलीग्स जो सेलेक्ट हुए हैं, या फिर कईयों के जूनियर भी सेलेक्ट हुए हैं, उनके तरीके से आप भी इस बार मौका ना चूकें और सेलेक्ट होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इंजीनियर सेकेंडरी और Nimbus Learning का और हम जैसे मेंटोर्स का भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, Nimbus Learning, या फ्यूचर की तैयारी।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.